मेरा नाम जुबैदा बेगम है, जे मेरी कहानी है। वेले तुसी ससुराल दे घर होवो, फीलिंग तुहानू हुंदी है, क्योंकि बच्चा कोई ना होवे, खावंद आ जाए, फीलिंग तां हुंदी है। इदां 3 साल गुजर गए, कदी मापिया वल कदी ससुराल वल, फिर इन्होंने इत्थे मैनू मंगा लिया। 3 साल गुजर गए, बस करने पैंदे आ, करना पैंदा वा। जिस वेले थोड़ा खामद ना होवे, बच्चे ना हो, फिर जिद्दां भी है थानू सबर ना अपना रहना पैंदा। दिन सोद आउंदा सी तां फिर याद हुंदी सी, जद कोई दिन सोद हुंदा सगा है ना, तो फिर याद आउंदे सी वी अज सारे यात बिच वह है नहीं, है ना। उदों फोन फान तो है नहीं सी, खत लिखते सके, तो मैं तो लिखन नहीं जानती सी। वो फिर घर ही खत जाता सी, घर दे पढ़ते सी, घर दे जवाब दे देंदे सी। बस इदे 3 साल कढ लै काफ़ी सी। जे डाक्टर दे भी जाना हुंदा सी तो मेरा देवर जाता सगा, क्योंकि ये भी नहीं सी ना इन्नी नहीं आती सी। तो फिर हौली हौली फिर मैं अपना बुत्ता कर ले ला लेंदी सी, न्याणियां नूं भी फिर मिल जाती रही हस्पतालां च भी। हुण फिर ये आ ना कि भी हुण बोलणो जे हट गए, बच्चे हो गए, फिर बच्चियां दे नाल हौली हौली फिर मैं सैन करने सीखे इंग्लिश च, पैसे पूसे लैण लई जां बच्चियां दे किते जाणा, बहुत मेरा दिल घबराया सी। तो फिर मगरों मेरे भरा का खाता आया सगा, मैनू अपनी माँ बहुत ही याद आती सी। इत्थे आ के भी तो मेरी माँ बीमार भी हो गई सी, फिर मैं 4.5 साल सी जब मेरे वालदा की डैथ हो गई। बड़ी मुश्किल ना पहुँची सी, लेकिन मूँह नहीं सी होया, देख नहीं सकी। मेरी माँ ने बहुत फील किया सी, क्योंकि पहला मैं ही सी दूर निकली, तो उन्होंने भी बहुत फील किया सी। बोल नहीं सी हुंदा, जबान बंद हुई सी, फिर भी हाथ ना इदा करती सी। वो महसूस तो हुंदा वा, वो तो लगता वा, फीलिंग तो हुंदी है बंदे नूं, फिर बंदा कर तो कुछ नहीं सकता, दिल तो लाना ही हुंदा ना। इदा कोई इत्थे दे जिहड़े लोग वा है ना, वो फ्रेंडली आ। अगर कोई काम होवे तुसी इन्हां नूं कमो करदे आ, उत्थे दे लोग नहीं बादल करदे सी। उदां उत्थे मेरे जिहड़े गुआंढी सीगे अच्छे सीगे, पर इन्ना नहीं सीगे। बच्चियां नूं कुरान पढ़ने इत्थे फिर मैं पता करदी सी वी कोई कुरान कौन घर पढ़ाउंदा वा, किते वी पढ़ाउंदा। फिर मैनूं पता लगा वी फलानी औरत पढ़ाउंदी आ बच्चियां नूं, फिर मैं उत्थे पाया। तो फिर आसफ जाता नहीं सी, कहिंदा उत्थे कुड़ियां आईयां, मेरियां भी 4 सियां, उहदियां भी 4-5 सियां, कहिंदा उत्थे कुड़ियां आईयां, मैं नहीं जाना उत्थे। फिर मैं पता किया, फिर भाई हदायत सी लैंगसैर रोड ते, तो वह घर पढ़ाउंदा सी बच्चियां नूं, फिर मैं उत्थे पाया, फिर इहनूं उत्थे पढ़िया, अच्छा पढ़दे सी। फिर मैनूं तसल्ली हो गई भी कुरान पढ़नगे बच्चियां नूं पता लगेगा, दीन का पता लगेगा ना। वो लोग भी मजहबी सगे जिथे बच्चिया पढ़दिया सगा, वो भाई हाफज़े कुरान सी, तो वह घर पढ़ाते आप सुनता सगा, सिर्फ मेरे ही बच्चे पढ़ते सी उन्हों को, वह आप भी सुनता हों, बीवी पढ़ाती सी। तो फिर मैं तसली सी, फिर मतलब इतने फिर दर्स सुनता हों भाई हदायत के घर, तो हाफिज़ शफीक दिता सी दर्स उ, तो फिर उ जाते होंगे सी हफ्ते च एक बार। फिर इदा फिर दीन का बहुता पता लगता रहा, फिर अपने बच्चों ने भी इदी दसते रहे, बच्चे भी जाते आ। दर्श भी नहीं सके, मस्जिद भी आ बड़ी मस्जिद मगरों बड़ी मगरों सारिया बनिया, दर्श भी नहीं सके, घर च पढ़ा सगियाँ, पैसे पूसे नहीं सी लेनिया, तो जेडे घर च पढ़ा सगिया, इन्ना भी नहीं सी हुंदा। लोग जाते सी इधर उधर कट्ठे हो, कहना रोजे या जिमा पढ़ जाना, मैं वैसे घर पढ़ती सी। हुण तां अल्लाह का शुक्र वा, हर पासे दीन ही चलिया,
इनू मैं स्कूल भेजा तो फिर वो घर से वो छोटे ही दो से मुंडा को तो मैं बाहर खड़ी होके देखती सी उतों की बस लंघती होंगी सी जद इन फिर बस से उतरना तो फिर मैं जाके ले आना तो यही है ना उतों खाना खाणों हट गई अंडा भी नहीं सी खाती मीट भी खाणों हट गई कहिंदा ये बिल्लियां का मीट खाते आ गोरे तो मैं इनू लंच नाल देना तो ये खाती नहीं सी आके कहना नहीं वो बिल्लियां इनू सारे गोरे सी ये सी विच काली वो इस तो फिर खाती नहीं सी फिर एक होर दो बच्चे अपने उत्थे जान लग पाए फिर ये है ना लंच कर लेंदी सी तो आंडा तो गोश्त फिर भी नहीं सी खाती तो इदी मेरी बच्ची स्कूल जाएगी अच्छे तरीके ना पढ़ेगी तो घर दी अंडरस्टैंडिंग दूजियां भी पता लगेगा ये माशाल्लाह बहुत होशियार सी पढ़ने नू तो इन्हें आके उत्थे दियां गल्लां करनियां मेरे को जद इन्हें आना तो घर च रौनक हो जानी और जब मैं भेजनी मेरा दिल बहुत करदा मैं कहीं सी पता नहीं उत्थे बच्चे किदां इन्ना करदे होणगे छोटी आ तां तुहानूं पता ही आ कि बच्चे पालने किस तरीके नाल रखणा बच्चियां नूं खाण पीण दा लंच दा आप मैं छड्डण जांदी सी इत्थे लैंसर रोड ते साडा घर सीगा उत्थे मैं इन्हां नूं छड्डण जांदी सी सुबह नूं 9 बजे छड्डण जाणा 12 बजे लिया के लंच करा के फिर छड्ड के आउणा 4 बजे फिर लै के आउणा फिर मैनूं जद तसल्ली हो गई है ना साल क बाद भी हुण इह आपे चले जांदे आ फिर मैं हटी सी नहीं तो मैं इन्हां नूं आप छड्डदी सी आप लियाउंदी सी लंच करा के फिर छड्डदी सी सारी दिहाड़ी दौड़ी रहिंदी सी मैं हर 2 महीने बाद स्कूल च बच्ची नूं उहनूं नाल लै के जांदी सी इन्हां दे सारिआं दे टीचरां कोल पुछदी हुंदी सी सारिआं कोल पुछदी हुंदी सी इह वी पुछदी हुंदी सी वी कोई शरारतां नहीं करदे जां तुहाडे नाल जिद्दां कई बच्चे आ ना आकड़ दे मोहरे जां पुट्ठे काम करदे स्कूल च इह वी मैं पुछदी हुंदी सी ये देख ला उन्हें पढ़नों छड़िया 5 बजे जाता हुंदा सी जिन्ना चिर उन्हूं जाना ना काम ते तो मैं पैना नहीं भी बच्चा वा सौ ना जाए उन्हें जाना तो मैं पैना 6 बजे ताईं उन्हें एक दिन नहीं कहा सी एक छुट्टी हुंदी सी एक दिन नहीं सी कहा कि माँ मैं काम ते नहीं जाना भी जिन्ने भी पैसे बढ़ रहे हैं मेरे हाथ ते लिया के रखने हैं मैं उन्हूं रुपया देवा मैं उन्हूं दो देवा उन्हें कदी नहीं सी कहा थोड़े आ कदी नहीं सी कहा स्कूल जांदिआं नूं क्योंकि हुण बच्चे सीगे काम इदां दे सीगे मैं हुण एवें कहां कि असीं बहुत अमीर सी जां बहुत सी मैं इन्हां नूं 10 पेनियां देनियां वह भी चुप करके फड़ लैनियां 20 देनियां वह भी इन्हां नूं कहना नहीं मैनूं ज़्यादा चाहिए आ नहीं कदी मेरे बच्चिआं ने कहा मैं कहूँगी बच्चिआं नाल तुसीं प्यार नाल रहो जिहड़ा बच्चा कोई ऐसा काम करदा उहनूं मालक ने थुप थुप ना करो इदां ही करनी आ भी बच्चिआं नूं अच्छे तरीके नाल रखो पहलां इदां नहीं भी कईआं कोल पैसे हुंदे आए देते आए देते आए देते उह जब बिगड़ जांदे फिर कहना साडे बच्चे बिगड़ गए बच्चे नूं हिसाब नाल रखणा चाहीदा हर चीज़ की फैसिलिटी दिओ खाण की भी पहनण की भी इहदा मतलब इह नहीं कि बच्चे नूं इह रखो कि साडे कोल पैसे आ असीं खुल्ले दे दईए जद फिर बिगड़ जांदा तां फिर कह दिंदी आ बच्चा साडा बिगड़ गया हमेशा हिसाब नाल बच्चे नूं रखणा चाहीदा बचपन च हुण छोटे बच्चे हुंदे आ बच्चा पुट्ठा काम करदा कहना नहीं कुछ ना कहो अगों हस पैना कहना बच्चा वा नहीं जे तुसीं हटाउने आ बच्चा फिर उही काम करदा उह कहिंदे हसदा ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਵੋਗੇ ਜਦ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹਟੂਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਜਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝਾਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ
ਜੇ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਇੱਕ ਜੁਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਜਾਣੂ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਕਈ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਹੁਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਦਾਂ ਨਿਭ ਸਕਦਾ, ਦੋਏ ਧਿਰਾਂ ਸਮੋ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਔਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿਣਾ, ਜਦ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਆਹ ਸਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਵੇ ਮਰਦ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿਣਾ, ਮਗਰੋਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਹ ਰੋਂਗ ਸੀ ਤਾਂ ਆਹ ਸਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਦੋਏ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਨਿਭਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਨੁਹੀਣਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਤੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਨੋ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ ਆਹ ਪਾਇਆ ਲੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਫੁਰਸ਼ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਸਰ ਕਰੋ।